ठीक है वेयर कैपिटल एफ क्या है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन दोनों को जब हमने लेंसेज टू लेंसेज लिए हमने जब हमने उनको कंबाइंड करके रखा तो क्या फोकल लेंथ आई एफ वन एफ टू जब हमने सिंगल सिंगल फोकल जब हमने सिंगल सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज किए तो उनकी क्या फोकल लेंथ आई और एक्स जब हमने कॉम्बिनेशन में फोकल लेंथ रखी तो उनके बीच में जो सेपरेशन था वो है यहाँ पे यह हमारा थ्योरी है तो आप इसकी थ्योरी ऑप्टिक्स में पढ़ के आए हैं तो कन्वर्जेंट लेंस यूज किया हमने लेंस जो है तो प्रिंसिपल पॉइंट्स क्या होते हैं नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं फोकल पॉइंट्स क्या होते हैं आप इनकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा है ना वाइवा में आपके काम आएंगे ये हमारे एप्रेटस रिक्वायर्ड है नोडल स्लाइड वन अरेन्जमेंट जो हमारा है ऑप्टिकल बैंक चाहिए प्लेन मिरर यहाँ पर अभी हमें प्लेन मिरर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो वर्चुअल लैब में यहाँ पर सेटअप है उसमें हमारा प्लेन मिरर यूज नहीं होता है बट जब हम एक्चुअल लैब में इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं फिजिकल लैब में इसको करते हैं तब तो हमें वहां पे प्लेन मिरर यूज करना होता है ऐसे ही लिट यहाँ पे लिट नहीं ले रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं बट जब हम इसको एक्चुअल लैब में करते हैं तो वहां पे हम लिट यूज करते हैं तो इनसे क्या डिफरेंसेस आएंगे वो जब हम वर्चुअल लैब करेंगे वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी इवन हमारा जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो भी डिफरेंस आता है यहां पर मैं जो ऑब्जर्वेशन टेबल आपको शो करूंगी वो सिर्फ वर्चुअल लैब से रिलेटेड करूंगी जो एक्चुअल लैब से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन टेबल है वो यहाँ पे हम नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि हम जो ये यह एक्सपेरिमेंट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो वर्चुअल लैब में ही कर रहे हैं तो इसका एक्चुअल लैब का जो एक्सपेरिमेंट है ऑलरेडी आपका यूट्यूब पे लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी आप उसको एक्चुअल लैब वाला आप वहां से देख सकते हैं बट यहाँ पे हम वर्चुअल लैब वाला कर रहे हैं एक लैम्प चाहिए लाइट सोर्स और टू कॉन्वेक्स लेंसेज तो हमें यहाँ पे टू कॉन्वेक्स लेंस चाहिए तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है फर्स्ट फोकल लेंथ तो पहले lens one के लिए focal length calculate करेंगे फिर lens two के लिए focal length calculate करेंगे जो हमारा formula use होता है वो होता है जहाँ पे u और v हमारी ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस है तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके कैपिट uh, f एफ कैलकुलेट कर सकते हैं लेंस वन के लिए ऐसे ही लेंस टू के लिए चाहे तो आप कैलकुलेटर से यूज कर लीजिए या वर्चुअल लैब में यहाँ पे एक नीचे ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है वहां पे जैसे ही आप U और V की वैल्यू पुट करते हैं वो आपको F कैलकुलेट करके दे देता है तो आप उससे भी कर सकते हैं तो डायरेक्ट वहां से कैलकुलेट करके यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं तो अभी हम जब करेंगे तो हम देखेंगे तो लेंस वन और लेंस टू के लिए हम यहाँ से एफ और एफ कैलकुलेट कर लेंगे और उनका मीन यहाँ पर लिख लेंगे फिर ये हमारी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ के लिए है कॉम्बिनेशन में हमारे टू फॉर्मूले यूज होंगे एक ये फॉर्मूला यूज होगा जो यहां पे वैल्यू आ रही है वो इस फॉर्मूले के थ्रू आ रही है फर्स्ट फॉर्मूले के थ्रू इस जगह वैल्यू आ रही है तो उसको ऐसे समझिए मैं फिलहाल इसका अगर नेमिंग की बात करूं तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये यहाँ पर यूज हो रहा है जो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है उससे वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर F1 और F2 है वो हम जो पीछे टेबल में कैलकुलेट करके आए वो ऑब्जर्वेशन टेबल से जो F1 F2 आएंगे वहां से ही कैपिटल F आएगा और ये x जो है डिस्टेंस बिटवीन लेंस है वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हम जो भी X लेंगे उससे हम कैपिटल F कैलकुलेट करके यहाँ कर लेंगे तो अब एक बार इसको हम वर्चुअल लैब में देख लेते हैं कि वर्चुअल लैब में हम इसको कैसे करते हैं तो पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए हम कर रहे हैं कि वहां पे हम इसको कैसे करेंगे तो वर्चुअल लैब में चलते हैं तो जैसे ही जो मैंने वहां पे लिंक लिंक दिया था वो आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आई आई टी बॉम्बे की वर्चुअल लैब में पहुंच जाएंगे तो अभी आप वर्चुअल लैब देख पा रहे होंगे वर्चुअल लैब में और एक्चुअल लैब में क्या डिफरेंस होता है तो हम जब यहाँ पर टर्न ऑन करते हैं और उसके बाद ऑप्टिकल बेंच और ऑब्जेक्ट रखते हैं प्लेस लेंस एक या तो है क्या जो हमारा एक्चुअल लैब है वहां पर यहाँ पर सोर्स होता है उसके आगे जिस जगह हाँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यहां पर हम इमेज लगाते हैं इमेज मतलब क्रॉसलिट क्रॉसलिट यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की जगह अब उस क्रॉसलेट में से जब लाइट पास होती है क्रॉस इमेज पास होती है लेंस पे इंसिडेंट होती है और यहाँ पर हम मिरर रखते हैं प्लेन मिरर और प्लेन मिरर और हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को मूव कर सकते हैं और इनको मूव करके हम प्लेन मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है उसकी इमेज यहाँ पर जो स्लिट है उस स्लिट के पर ही बनाते हैं उसके साइड में तो होता क्या है जब लाइट प्लेन मिरर पे जाती है और वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है तो ऐसे ट्रीट होती है जैसे वो इनफाइनाइट से आ रही है और पैरेलल बीम्स होती हैं तो फिर कॉन्वेक्स लेंस और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट फोकल लेंथ होता है तो यहाँ पर लेंस और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट हम फोकल लेंथ यूज कर लेते हैं जो हम फार्मूला 1/f = 1/u 1/ बी वाला फॉर्मूला है उसको हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है बट क्योंकि यहाँ पे ना तो हम क्रॉसलेट यूज कर रहे हैं ना ही प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं इसलिए हमें इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की डिस्टेंस नोट करनी पड़ती है और वो डिस्टेंस हम यहाँ नीचे से नोट कर सकते हैं तो आप कोई भी थ्री इमेज फॉर्म करिए और उनकी वैल्यूज नोट करके ऑब्जर्वेटे ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल कर दीजिए तो अभी आप जो है लैब देख पा रहे होंगे ये हमारी आई आई टी बॉम्बे की, की है, की है। यहाँ पे, of of उसका एम लिखा है फिर आप इसकी थ्योरी में जा सकते हैं पीछे ऑलरेडी मैं आपको थ्योरी दिखा चुकी हूँ प्री टेस्ट है प्रोसीजर भी पढ़ सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पे जाके प्रोसीजर पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे और सिमुलेशन में चले जाइए ठीक है यहाँ पे हम वर्चुअल लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सिमुलेशन में जाना पड़ता है तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रही होगी ठीक है इस ब्लैंक स्क्रीन में आप यहाँ पे सॉरी अभी मैं टर्न ऑफ ही रखती हूँ तो आप यहाँ पे नीचे जाके देखिए तो यहाँ पे स्टिमलेटर स्टॉप लिखा है जैसे ही आप यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टमुलेटर स्टार्ट हो गया अब आपका प्रैक्टिकल करना स्टार्ट हो गया है बट अभी भी आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है तो आप क्या करेंगे ऑप्टिकल बेंच पे क्लिक करेंगे जैसे ही ऑप्टिकल बेंच पे क्लिक करा आपको बैंक पे बेंच दिखाई दे रहा है फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए ऑब्जेक्ट आ गया अब आपको जिस लेंस की फोकल लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है आप वो लिख सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे प्लेस लेंस ए है प्लेस लेंस बी है लेंस वन लेंस टू और या आपको दोनों एक साइड प्लेस करना है तो पहले हम लेंस वन के लिए कर रहे हैं तो लेंस वन को हमने किया जैसे ही लेंस को क्लिक किया यहाँ पे आपको लेंस दिखाई देगा आप उसको प्लस माइनस से मूव कर सकते हैं तो जब मूव करेंगे आपकी इमेज साइज चेंज होगी तो आप एनी थ्री रीडिंग्स कोई भी थ्री रीडिंग्स आप मेजर कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें इमेज इक्वल दिखाई दे रहा है मैं इस रीडिंग को ले लेती हूँ यहाँ पर आपको वन और वन दिखाई दे रहा है तो जब आप इसको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल है 120 ऑब्जेक्ट लेंथ इमेज डिस्टेंस देखिए यहां पे क्या लिखा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस 120 इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस 120 आपने यहां फिल्ड किया जैसे आप इस पे कैलकुलेट पे करेंगे यहां पर आपको फोकल लेंथ दिखाई दे जाएगा जैसे ही आपका ये फोकल लेंथ यहाँ पे आया तो एक रीडिंग हो गया नेक्स्ट रीडिंग के लिए इसको मूव कर लीजिए ठीक है मैं ये वैल्यू ले लेती हूं तो 150 एंड 100 150 एंड 100 कैलकुलेट 60 अब थर्ड रीडिंग ले लेते हैं ठीक है तो 90 एंड वन एट्टी एंड एट्टी कैलकुलेट तो ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की रीडिंग्स आ गई हैं ठीक है चीके? अभी मैं क्या कर रही हूं आ, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारी टू रीडिंग्स हैं एफ वन और एफ टू के लिए अलग अलग तो दोनों को नोट कर लेती हूं ठीक है उसके बाद एक साथ फिल करेंगे उसको अब हम क्या करेंगे इसको रिसेट करेंगे हम लेंस टू क्लिक करेंगे तो यहां कुछ क्लिक नहीं होगा रिसेट करना पड़ेगा जैसे ही रिसेट करेंगे अब दोबारा से वही प्रोसेस है ऑप्टिकल बेंच, ऑब्जेक्ट अब हम लेंस बी के लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे सेम वैसे ही आप इमेज फॉर्म करिए जब आपको लगे आप इमेज को रीडिंग ले सकते हैं आपको विजुलाइज हो रही है दिख रही है तो कोई सी तीन रीडिंग नोट करनी है तो यहाँ पे टू हंड्रेड टेन वन तो यहाँ पे आपके लेंस बी के लिए है टू हंड्रेड टेन वन पॉइंट नाइन वन कैलकुलेट हंड्रेड आ गया अब दूसरी रीडिंग उसको मूव कर लीजिए यहां पे ठीक है वन तो 190 एंड टू हंड्रेड इलेवन वन एंड टू हंड्रेड इलेवन पॉइंट कुछ समथिंग था तो पॉइंट भी लिख लेते हैं कितना था पॉइंट वन वन सेकेंड रीडिंग हो गया थर्ड रीडिंग के लिए फिर से यहां पे इसको मूव करिए थर्ड रीडिंग आ गया ठीक है नीचे आइए वन फिफ्टी एंड थ्री हंड्रेड वन फिफ्टी एंड थ्री हंड्रेड कैलकुलेट एफ हंड्रेड तो आपका ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल आ गया अब इसको फिल करना देख लेते हैं जो हमने फर्स्ट टेबल ऑब्जर्वेशन टेबल के रीडिंग्स ली हैं वन और टू तो उनको यहाँ पे फिल कर लेते हैं तो हमारा फर्स्ट रीडिंग था 120, 120, 60, 150 हंड्रेड सिक्सटी और ये वाला रीडिंग था नाइनटी वन एट्टी सेंटीमीटर तो हमारा फोकल लेंथ लेंस वन के लिए या कह लीजिए लेंस ए के लिए आ गया वहां पे लेंस ए लिखा है तो मैं यहाँ पे बी ए और बी लिख लेती हूँ ऐसे इनका जब आप मीन निकालेंगे तो वो भी सिक्सटी आएगा अब हम दूसरी ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं दूसरी ऑब्जर्वेशन टेबल आपका क्या था यहाँ पे रीडिंग था 210, 190.91, 100, यहाँ पे था 190, 211.11, 100, और लास्ट रीडिंग था 150, 300 और यहाँ पर हंड्रेड इसका भी आप अगर हम मीन लेंगे तो हंड्रेड आएगा ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हो गया तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो एफ वन आपका सिक्सटी आ रहा है और एफ टू आपका हंड्रेड आ रहा है अब हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल में जाएंगे ठीक है तो अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर्मूले टू की तो इसके लिए हमें F1 60 और F2 100 पता लग चुका है इस के लिए यानी जो यहाँ पे टू में कैलकुलेट करना है अब हमें यहाँ पे इंसिडेंट में तो फिलहाल लाइट में जीरो जीरो लिख लीजिएगा डिस्टेंस बिटवीन लेंस लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखेंगे और इमेज डिस्टेंस लिखेंगे ठीक है और फोकल लेंथ कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये तो हम अभी वर्चुअल लैब से कैलकुलेट करके लाएंगे कौन कौन से कॉलम मैं कॉलम्स के नाम दे देती हूँ कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम फोर तो ये जो फोर कॉलम्स हैं इनकी वैल्यूज हम ऑब्जर्वेशन टेबल जो है की वैल्यू ये वर्चुअल से कैलकुलेट करके लाएंगे कॉलम फाइव की वैल्यू हम फॉर्मूला टू से करेंगे और वन हम ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन टेबल से या इक्वेशन वन से कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन टू इससे कर सकते हैं ठीक है तो अब हम फिर से वर्चुअल लैब में चलते हैं तो अब हमें रीडिंग कैसे नोट करनी तो है हमें रीडिंग कैसे नोट करनी है कॉम्बिनेशन के लिए तो ध्यान दीजिए जो लेंस ए है जो उसके लिए तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नोट करेंगे जो लेंस बी है उसके लिए यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है वो नोट करेंगे और डिस्टेंस बिटवीन लेंस नोट करेंगे जो जैसा कि अब हम करने वाले हैं जैसा कि अब हम करने वाले हैं चलिए तो अब हम बोथ लेंस लिए, तो लिए, तो लिए वैल्यू उसको कैलकुलेट करते हैं प्लेस सॉरी रिसेट करिए ऑप्टिकल बेंच ऑब्जेक्ट प्लेस बोथ बैंक अब यहाँ पे आपको दोनों लेंस दिख रहे हैं प्लस माइनस ए और बी से आप इनको मूव कर सकते हैं ठीक है और इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं तो कोई भी थ्री रीडिंग्स आप यहाँ पे नोट करेंगे आप यहाँ पे रीडिंग कौन सी नोट करनी है उसको ये रीडिंग हम नोट करेंगे हमने इमेज बनाया अब ये रीडिंग है हमारा हंड्रेड क्या करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस ए हंड्रेड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस वन सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जीरो एंड कैलकुलेट एफ सिक्सटी वन पॉइंट Nine. और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है फोर हंड्रेड ठीक है तो ये हमने एक रीडिंग ले लिया फिलहाल में इसको ऑब्जर्वेशन टेबल में कैसे फिल करते हैं वो दिखा रही हूं फिर देखिएगा इसको कैसे हम ऑब्जर्वेशन टेबल में अब देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में हम इसको कैसे फिल करते हैं ठीक है तो ये हमारी सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें हम फिल करना देख रहे हैं इसको तो ये हमारी कॉम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ की ऑब्जर्वेशन टेबल है इसको फिल करना देखते हैं तो अभी मैं आपको एक ही रीडिंग फिल करके दिखा रही हूँ सिमिलरली आप थ्री रीडिंग्स इसकी नोट कर सकते हैं जैसे हमने ऑब्जर्वेशन टेबल वन के लिए किया तो डिस्टेंस बिटवीन लेंस आपका आ रहा है फोर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका हंड्रेड ये हमें कहाँ से नोट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस ए से यानी कि वन से इमेज डिस्टेंस आपका आ रहा है 162.50 ये आपको किससे नोट करना है लेंस बी से और इनके बीच का जो फोकल लेंथ कैलकुलेट होके आया दैट इज 61.9 आपके पास एक फोकल लेंथ एपरेटस से आ गया एक फोकल लेंथ आप जो हमारा फॉर्मूला टू है इससे कैलकुलेट कर सकते कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं प्लस वन अपॉन एफ टू हंड्रेड माइनस फिलहाल मैं ऐसा करती हूँ ये स्क्रीन क्लियर कर देती क्लियर भी नहीं कर सकते यहाँ पे ये क्लियर कर देते हैं ठीक है तो उसको दोबारा लिख लेते हैं हम तो आप क्या करेंगे ये जो कॉलम फाइव है इसमें आप वैल्यूज कैलकुलेट करके लिखेंगे किस फॉर्मूले से ये जो हमारा फॉर्मूला है इस जिसको हमें वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन एफ वन सिक्सटी वन अपॉन एफ टू हंड्रेड माइनस एक्स एक्स में यहाँ पर जो आपने वैल्यू नोट की है फोर हंड्रेड टेन वो नोट करेंगे और एफ वन एफ टू सिक्सटी इंटू हंड्रेड यहां से आपका वन अपॉन एफ आएगा और फिर उससे आप कैपिटल एफ कैलकुलेट कर लेंगे तो अभी हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है और ऐसे ही आप जो है थ्री रीडिंग्स नोट कर सकते हैं तो चलिए मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन एफ टू माइनस एक्स है 410 डिवाइड बाय 60 इनटू 100 आपका 1 अपॉन एफ आएगा 0.0416667 अब आप इसको वन डिवाइड करिए वन डिवाइड बाय जीरो पॉइंट फोर वन सिक्स सेवन इक्वेट ट्वेंटी थ्री तो माइनस में आपका ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन नाइन ऐसे ही करके आप ये फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी ठीक है तो एक मैंने रीडिंग ले ली है अब बाकी टू रीडिंग्स आप लेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल की एफ वन एफ टू भी मैंने कैलकुलेट कर दिया है तो यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है वर्चुअल लैब में आईआईटी बॉम्बे की लैब है और एक्चुअल लैब में कैसे करते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप वहां से उसको देख सकते हैं थैंक यू